दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सुहागन। रात के 12 बज रहे थे, घर के आधे लोग नींद के आगोश में जा चुके थे, जबकि कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से काम करके सब लोग थक चुके थे। आज बेटी साक्षी की सगाई थी, मेहमान भी सब यहीं होकर में रहते थे, इस कारण सब घर जा चुके थे। घर की बहू सुधा और छोटी बेटी साक्षी रसोई में अपना काम निपटा कर थकी मानी सोने जा रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों अपने अपने कमरे में जाती जाती वहीं ठिठक गई। एक दूसरे की शक्ल देखने लगी कि इतने रात को कौन आया होगा। तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार आवाज तेज थी। अब इतने रात को सीधा जाकर दरवाजा खोल देने में कोई समझदारी नहीं थी, इसलिए सुधा जाकर के अपने पति पवन को जगा लाई। पवन ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से बस इतनी सी आवाज आई। मैं उसके बाद रुंधक की आवाज आई। शायद जो कोई दरवाजे पर था वो कोई रो रहा था। आवाज में भी अजीब सी लड़खड़ाहट थी, इसलिए यह समझ में नहीं आ रहा था कि कोई जान पहचान वाला है या अजनबी। आखिर पवन ने साक्षी को इशारा किया, जाओ जाकर पापा को जगा लाओ। साक्षी अंदर गई और अपने पिता बलवंत जी को जगा कर ले आई। रुदीन अभी भी दस्तूर जारी था। कुछ देर तो बलवंत जी भी खड़े खड़े सोचते रहे, पर थोड़ी देर बाद रुदीन बंद हो गया। आखिर हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने एक औरत साल में लिपटी हुई बेहोश पड़ी थी। पवन और बलवंत जी एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। इतने में घर की मालकिन मालती जी भी आ गई और बलवंत जी को बोली, अरे जरा हिम्मत करके देखिए तो सही, कौन है और यूँ हमारे घर के दरवाजे पर क्यों पड़ी हुई है? पता नहीं कौन है जो आज इतना शुभ घड़ी में आप शगुन फैलाने हमारे घर आ गया है। आखिरकार बलवंत जी ने हिम्मत करके बाहर आके उस औरत के चेहरे पे साल हटाया। उसका चेहरा देखते ही वो हैरान रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अरे निम्मो। उसके मुंह से निम्मो नाम सुनते ही मालती जी और पवन दोनों बाहर की तरफ भागे। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख करके मालती जी की रुलाई छूट गई। हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया, इतनी रात गए यहाँ पर और उसके चेहरे पर ही चोट के निशान कैसे? तब तक पवन ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, माँ थोड़ी हिम्मत रखो, क्या घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही हो? पहले निम्मो का अंदर तो लेकर जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। आखिर पवन और मालती जी ने निम्मो को सहारा देकर घर में लेकर आए। अंदर लाने के बाद उसे सोफे पर बिठाया। तब तक निम्मो थोड़ी होश में आ चुकी थी। अपने माता पिता और परिवार को देख कर के उसकी रुलाई छूट गई। मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ माँ, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे माँ, मुझे मार डालेंगे। वो पति नहीं है, सौतन है, वो मुझे जान से मार डालेगा। अपनी माँ के लिपटती हुई जोर जोर से रो रही थी बलवंत जी। कुछ कहने के हुए तो मालती जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर बाद तक मालती जी उसे चुप कराती रही। जब निम्मो चुप हो गई तब मालती जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, आज जमाई जी ने तुझे
क्यों मारा? थोड़ी देर पहले जब तू यहाँ से गई थी तब तो खुशी खुशी गई थी, फिर अब क्या हो गया? मालती जी के इस सवाल से निम्मो की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, माँ आज साक्षी की सगाई में आपने अपनी होने वाली समधन को सोने की बूंदे दी थी, बस यही बात मम्मी जी को चुभ गई, क्योंकि अपने 4 साल पहले मेरी सगाई में उन्हें 5100 रुपए दिए थे। घर जाते ही उन्होंने घर के दरवाजे पर मुझे पर तानों की बौछार कर दी। बोल रही थी कि अब बड़ा पैसा आ रहा है तेरी माँ के पास, मुझे तो सस्ते में निपटा दिया था। जब मैंने कहा कि मेरी सगाई के वक्त पवन कमाता नहीं था, तब घर में 2 लोग कमाने वाले हो गए तो अपने अनुसार दे रहे हैं, तो आपके कुंवर साहब ने मुझे मारना शुरू कर दिया। यह कहकर कि मैंने उनकी माँ से जबान लड़ा रही हूँ, माँ मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। जब मुझे मार मार के थक गए तो अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं जैसे तैसे उठकर भाग आई माँ, अब बर्दाश्त नहीं होता माँ, पिछले 4 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ, हर बार आपने मुझे समझा कर वापस भेज दिया, पर मैं अब घर में नहीं। ठीक है मेरी बच्ची, मत जाना, मालती जी ने कहा। तभी अचानक बलवंत जी की आवाज़ गूंजी, अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी, यहाँ तुम्हारी छोटी बहन की सगाई हो चुकी है, कुछ दिन बाद उसकी शादी है, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हम तुम्हारी शादी करनी थी वो हमने कर दी, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम हो कि लड़ झगड़ करके अपना घर छोड़कर आ गए, अब क्या बैठकर के तुम लोगों के घर के मामले को ही सुलझाता रहेगा? निम्मू की बात सुनकर के बलवंत जी चिल्लाते हुए बोले। अपने पापा की आवाज़ सुनकर के निम्मू और घबरा गई, इधर मालती जी ने उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। उस पर बलवंत जी और भड़कते हुए बोले, समझा लो अपनी लाडली को, अब ये ससुराल की हो चुकी है, इसे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अरे अपनी टेक में ये अपनी छोटी बहन का घर बसाने से पहले ही तोड़ देगी। मैं बुला रहा हूँ समधीन जी को, कुंवर साहब को, या कल चुपचाप से जाएगी। तुम्हें जितना लड़ाना है रात भर लड़ा लो, समझी तुम? कह करके बलवंत जी गुस्से में अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बलवंत जी ने निम्मो के ससुराल वालों को बुला लिया और उन लोगों के सामने हाथ जोड़ करके अपनी बेटी के इस तरह से ससुराल से भाग कर आने के लिए माफ़ी मांगी। तब उनकी समधन जी मुँह बनाते हुए बोली, अभी कुछ दिन उसे अपने पास ही रखिए समधी जी, ताकि थोड़ी अकल ठिकाने आ जाए इसकी, कल को उठकर कहीं और भाग गई तो आप हमारा गला पकड़ने आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर के बलवंत जी ने एक नज़र गुस्से से निम्मो की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं समधन जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक ठीक है, आपके वादे पर विश्वास कर रही हूँ मैं, पर समधी जी इस बार तो आपने अच्छे नहीं करे, नई समधन के लिए तो आपके पास देने के लिए कानों के सौदे के बूंदे आ गए और हमें तो आपने सस्ते में निपटा दिया था। 2 बेटियां हैं, दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, साथ ही उनके ससुराल वालों को भी, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? समधन जी अपनी कुटिलता पर आते हुए बोले,
बलवंत जी पहले तो झेप गए, फिर उन्होंने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, हाँ हाँ समधन जी, मैं सब समझ रहा हूँ। साची की शादी में मैं आपको विदाई गिरी अच्छे से दे दूंगी और इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप तो मेरी बच्ची को फिर से अपना लीजिए। समधन जी ने अपनी बेटी सुनील की तरफ देखा और कुटिलता से मुस्कुराई। तो सुनील ने भी, पापा जी आपने मेरी मम्मी को तो खुश कर दिया, पर मेरा क्या? सुना है कि इस बार आप अपने नए जमाई को बाइक देने वाले हैं, मुझे तो एक स्कूटी तक नहीं दिया था आपने। सुनील की बात सुनकर के मालती जी और पवन जी के माथे पर पसीना आने लगा कि कहीं बलवंत जी बाइक के लिए हाँ ना कर दें। एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से ये सब। पर तभी बलवंत जी बोले, कुंवर साहब, उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको बाइक दे पाए। अब आप भी समझिए हमारी मजबूरी, शादी को किस दिन ही बाकी हैं, इतना सब खर्चा कैसे हो पाएगा। उनकी बात सुनकर के सुनील ने कहा, फिर अपनी बेटी आप अपने पास ही रखिए, साची की शादी के बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अरे दामाद जी, आप तो नाराज हो गए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए अभी साची की शादी हो जाने दीजिए, जब हमारा हाथ खुल जाएगा तो फिर कहीं देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद हैं, मेरी मजबूरी तो समझिए। बलवंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा। निम्मो अपनी नम आँखों से ये सब देख रही थी, अपने स्वाभिमान को तार तार होते देख रही थी। उसके मायके वाले और ससुराल वालों ने उसे फुटबॉल समझ रखा था, जो लात मार के फिर एक दूसरे के पल्ले में डालने के लिए ललियत बैठे थे। आखिर में समधी जी बोले, देखिए समधन जी, जब तक साची की शादी नहीं हो जाती, आप निम्मो को यहीं रख लीजिए, साची की शादी के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और रही बात लोक लाज की, तो कह दीजिएगा कि इस साची की शादी की तैयारी करवाने के लिए या यहाँ आई हुई है। आपकी बात भी रह जाएगी और हमारी भी, बस अब हम यहाँ से चलते हैं, कहकर समधी जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गए। आखिर में बलवंत जी इतना ही कह पाए, समधन जी आप लोग शादी में जरूर आइएगा, मैं वादा करता हूँ इस बार आप लोग खुश होकर ही जाएंगे। उनकी इस बात पर बिन प्रतिक्रिया दिए निम्मो के ससुराल वाले रवाना हो गए। बलवंत जी ने खाल वाले नजरों से निम्मो की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोले, यही संस्कार दिए थे तुझे हमने, अपने ससुराल से रातों रात भाग कर आ गए, हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं की तूने। देख तेरे कारण मुझे इन लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, पता नहीं विदाई के नाम पर क्या क्या मांग कर ले जाएंगे ये भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच लिया होता। अरे आप शांत हो जाइए, अब क्या इसके पीछे ही पड़ गए, मालती जी ने कहा तो बलवंत जी उनके ऊपर चिल्ला पड़े, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है ये, मैं तो कमाने चला जाता था, पीछे से तुम से अपनी ये लड़की नहीं संभली। बलवंत जी का गुस्सा देख कर करके मालती जी को उठकर अपने साथ ही कमरे में ले गई। खैर आसपास में सबको कह दिया गया कि निम्मो अपनी बहन साची की शादी की तैयारियों के लिए आई है और
सब इन बातों को छोड़ करके साची की शादी की तैयारी में लग गए। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब बलवंत जी ने निम्मो को ताना न मारा हो। 20 दिन बाद साची की शादी का दिन भी आ गया। इससे के कुछ दिन पहले हले भी बलवंत जी उसके ससुराल जा करके हाथ पैर जोड़ करके उन लोगों को शादी में आने का न्योता देकर आए। पर इन सब के बीच धीरे धीरे निम्मू में बदलाव आने लगे थे। अब वह अकेले घर से बाहर भी निकलने लगी थी, पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगी थी। शादी वाले दिन सुनील और उसकी मम्मी साची की शादी अटेंड करने के लिए आ गए। मालती जी और बलवंत जी जबरदस्ती निम्मो को लेकर उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए तो सुनील ने उसे देखकर तंज कसा, यहाँ मायके में रहकर आ गई, अकल ठिकाने या अभी भी अकल ठिकाने आनी बाकी हैं, और बड़े ही कुटिल मुस्कान के साथ हंस दिया। उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी हंस दी, पर बलवंत जी और मालती जी से हाथ जोड़कर एक तरफ उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। निम्मो अपमान का घूंट पी रह गई। दोनों अपने आप को किसी वीआईपी से कम नहीं मान रहे थे। हर चीज में कमी निकालना, साथ ही बार बार निम्मो को नीचा दिखाने के बाज नहीं आ रहे थे। निम्मो की आंखों में 2-3 बार आंसू भी आ गए, पर मालती जी उसके सामने ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा, तेरी बहन की शादी है, भगवान के लिए यहाँ कोई हंगामा मत होने देना। आखिर जैसे तैसे कर करके शादी निपटी और दुल्हन विदा हो गई। दुल्हन को विदा होने के बाद दूसरे दिन सुबह जब धीरे धीरे रिश्तेदारों की विदाई का वक्त आया, जब अधिकतर रिश्तेदार विदा होकर चले गए और घर के कुछ खास रिश्तेदार ही बचे, तब समधन जी सुनील के साथ बलवंत जी के सामने आकर बैठ गई और अपने हाथों को नचाते हुए बोली, अब समधन जी हमें भी विदा कर दीजिए, हमें भी अपने जाने है। बलवंत जी ने प्रश्नवाचक नज़रों से मालती जी की तरफ देखा तो उसकी नज़रें को तारते हुए समधन जी बोली, पूछ लीजिए आपकी बेटी से कि अब ऐसा कोई हरकत होगा तो उसका क्या निवारण निकलेगा, तभी हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। हमें भी बार बार हमारे घर की तमाशा करने का शौक नहीं है। समधन जी कहना हुआ तो सभी रिश्तेदारों में खुसुर शुरू हो गई, क्योंकि किसी को भी इस बारे में पता ही नहीं था। आखिर निम्मो की बुआ ने पूछा, भैया समधन जी से क्या बारे में बात कर रही हैं? बलवंत जी नजरें झुकाए बैठे हुए थे तो समधन जी ने कहा, अरे अपने भैया से क्या पूछ रही है, आप अपने भगोड़ी भतीजी से पूछिए, रातों रात अपने ससुराल से भागकर अकेले यहाँ आ गई थी। भैया, समधन जी ये क्या कह रही हैं, क्या हुआ निम्मो के ससुराल में, एक बार बताइए तो सही, बुआ जी ने पूछा। लेकिन उनकी बात काटते हुए समधन जी ने कहा, देखिए समधन जी, हमें लेट हो रहा है, पहले हमें हमारी विदाई तो बता दीजिए कि क्या दे रहे हैं आप, उसके बाद आपकी बेटी को बुलाकर सारी बातें विस्तार में पूछ लीजिएगा। आखिर थक हार के बलवंत जी ने निम्मो को बुलाया। जब वह बाहर निकल कर आई तो हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। ना मांग में सिंदूर था, ना ही गले में मंगलसूत्र, ना हाथों में चूड़ियां थी और ना ही पैरों में बिछिया। सिंपल सा सूट पहने, हाथों में कुछ कागज लिए
वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। उसे इस तरह देख करके बलवंत जी गुस्से में आग बबूला हो गए, पर उससे पहले उनकी समधन जी जोर से चिल्लाती हुई बोली, देख लो लो अपनी बेटी को, लोग लोग ससुराल वालों को बदनाम करते हैं, पर इसकी हरकत देखो, सुहागन होते हुए भी किस तरह से घूम रही है। अब ऐसे में पति हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा। तभी मैं कहूँ कि समधी जी अभी तक विदाई दे कर विदा क्यों नहीं किया, यह सब दिखाने के लिए रोक रखा था। निम्मो क्या हरकत है ये, कैसे उठकर चली आई हो तू, कुछ हमारी इज्जत का ख्याल है या नहीं। बलवंत जी के चिल्लाने पर मालती जी निम्मो के पास गई और उसे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, चल बेटा ढंग से तैयार होकर आ, सुहागन है तू, सुहागन की तरह हो ये ऐसा कैसा बाहर आ गई। सुहागन, मैं इस आदमी की सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ, मालती जी का हाथ छुड़ाते हुए निम्मो बोली, हाय राम ये क्या कह रही है, ये बेशरम मेरे बेटे के जीते जी ए औरत इतनी बड़ी बात बोल रही है। समधन जी आप माथा पीटते हुए बोले, उन्हें देखकर निम्मो चिल्लाती हुई बोली, ऐसे पति से बेरहम से मुझे पीटा जाता है, दर्द मुझे होता है, आप लोगों का क्या, आप अपनी इज्जत लेकर बैठे रहते हो, किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं, तो मैं क्या आपकी इज्जत की परवाह करूं। निम्मो ने कहा तो मालती जी नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। बलवंत जी लगभग चिल्लाते हुए बोले, अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो तुझे इस घर में भी जगह नहीं मिलेगा, मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है, पापा आप क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। उस दिन इतनी बेरहमी से पीटा इन लोगों ने, फिर भी आप मुझे उसी घर में जाने के लिए कह रहे हैं। आपकी उसकी तरफ से देख करके बोली, माना कि स्कूल की छोटी नौकरी है, तनख्वाह कम है, पर स्वाभिमान से जी तो पाऊंगी, और आटे दाल के भाव की बात तो मत ही करो तो अच्छा है, जो छोटे छोटे चीज के लिए मेरे मायके की तरफ मुंह ताकते हैं, कम से कम अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। फुटबॉल टॉवल की तरह एक पल्ले से दूसरे पल्ले में ढकेली नहीं जाऊंगी, और इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ रही हूँ, बदला तो मैं तुमसे भरण पोषण के पैसे लेकर रहूँगी, एक फूटी कौड़ी ना दूँ तुझे मैं, समझती क्या है अपने आप को, अपने मायके बुला कर बहुत इज्जत उतारी है हमारी। निम्मो की सास अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, भूल कर भी ऐसी कोई हरकत मत करना, आप लोग नहीं दोगे तो कोर्ट से पैसे निकलवाऊंगी, पर अब तो मैं अपने वाली पर आ चुकी हूँ, ये सब करके दिखाऊंगी। निम्मो की बात सुन करके उसकी सास और सुनील तुनकते हुए वहाँ से निकल गए। वहीं निम्मो भी अपने दोनों हाथ जोड़ करके अपने माता पिता से विदा लेकर हॉस्टल में रहने चली गई। कुछ समय बाद निम्मो को तलाक हो गया, पर उसके अपने भरण पोषण के लिए सुनील से एक मुफ्त राशि भी मिली। आज हॉस्टल में रह करके स्कूल में नौकरी करती हुई अपने स्वाभिमान को साथ ही जी रही है।